दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बसे एरोसिटी में। एरोसिटी अपने लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट, स्टोर्स इन सब के लिए जाना जाता है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, इसलिए बहुत से ट्रेवलर्स जिनका ले ओवर दिल्ली में होता है वो यहाँ पे आके रुकना पसंद करते हैं। एरोसिटी अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है जो कि आपको लेनी होगी। एरोसिटी के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये रात को खुला होता है, तो जवाब है जी हाँ, ये 24 आवर्स ओपन होता है और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉकटेल्स, बियर्स, वाइन्स और बहुत सारे स्नैक्स। जो एरोसिटी में आएँ तो वहाँ खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से कुछ हैं प्लम बाय बेंचियर, रेव, कैंपेई, फर्जी कैफे, द किलिन एक्सपीरियंस, कैफे दिल्ली हाइट्स एंड फैब कैफे। कुछ एक ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां आप फूड ट्राई कर सकते हैं। एरोसिटी आएंगे तो यहां पे आपको 3-4 बिल्डिंग्स दिखेंगी जो कि नाम से हैं वर्ल्ड मार्क 1, वर्ल्ड मार्क 2 एंड वर्ल्ड मार्क 3। आप इन्हीं 3 बिल्डिंग्स में जाके इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एरोसिटी को बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया गया है एंड यहाँ खाने के साथ साथ आप शॉपिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। एरोसिटी में रहने के लिए बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो अगर आप एयरपोर्ट के आसपास रुकना चाहते हैं तो एरोसिटी में आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और ये एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप होटल 3 से 5 हज़ार की रेंज में बुक करवा सकते हैं। एरोसिटी में नीचे की तरफ फूड कोर्ट है, तो अगर आप ऊपर किसी लॉन्च एंड बार में नहीं खाना चाहते हो तो नीचे फूड कोर्ट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। खाना एंजॉय करने के साथ साथ आप यहाँ पे व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। फूड कोर्ट की बाहर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स लगा रखे हैं, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। ये फूड कोर्ट के बाहर एक एरिया पड़ता है जहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स लगा रखे हैं और ट्रीज की शेप में ये शेप दे रखी है, तो खाना एंजॉय करने के साथ साथ आप ये व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। एरोसिटी के आसपास और भी काफ़ी सारी जगहें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप एम्बियंस मॉल जा सकते हैं गुड़गांव के, और साइबर सिटी जा सकते हैं, और महादेव बिरला कानन का टेंपल है आप वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग हर बार एक नई प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए एरोसिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एरोसिटी अगर आप दिन में आना चाहें तो आप दिन में भी आ सकते हैं, और रात को अगर अपनी फैमिली के साथ आना चाहें तो रात को भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों दिल्ली में ऐसी कुछ जगहें हैं जो धीरे धीरे फेमस होती जा रही हैं यंगस्टर्स के बीच में, तो अगर आप मॉडर्न दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये कुछ जगहें हैं जो उसका एक अच्छा एग्जांपल है। एरोसिटी एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपके पास कुछ टाइम बचा हो तो आप उसके पास ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं। टर्मिनल 3, टर्मिनल 2 आप बाहर से अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और नई नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल द्वारा आपको ऐसे ही नई नई घूमने के ऑप्शन का पता चलता रहे जो अक्सर माइंड से स्किप हो जाती हैं।